हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट, प्रकाश तब रोशन होता है जब वह आग की तरह जलता है। इसी तरह जितना अधिक आप अपने आप को रगड़ते हैं उतना ही आप अधिक चमकेंगे। लाइट देन इल्यूमिनेट्स व्हेन इट बर्न्स लाइक फायर। सिमिलरली द मोर यू रब योर सेल्फ सो यू विल शाइन द मोर। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? विच साइंटिस्ट अवार्डेड द पद्मश्री वू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मानस बिहारी वर्मा, नंबी नारायण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मानस बिहारी वर्मा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित मानस बिहारी वर्मा का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री राशन टू कार्ड होल्डर्स एंड ₹5,000 टू ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इन व्यू ऑफ द कोरोना क्राइसिस। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एंड ऑफ द 12th आउटब्रेक ऑफ इबोला। ऑप्शन है रवांडा, केन्या, घाना, कांगो। इसका राइट आंसर है कांगो। कांगो देश ने हाल ही में इबोल के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गौप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च दी गौप बंधु संबंधिका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में गौप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज ऑन आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है 3 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, बिहार।
इसका राइट आंसर है सिक्किम। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन माइग्रेंट एंड ट्रैफिक। ऑप्शन है ब्रिटेन, नेपाल, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपाडा डायनासोर की हड्डियां के जीवाश्म मिले हैं। फॉसिल्स ऑफ बोन्स ऑफ सारोपोड डायनासोर बोन्स डेटिंग बैक टू 10 मिलियन ईयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम एन एरिया नियर वेस्ट कासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। नासा स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब has discovered a natural radio signal from which planet? ऑप्शन है शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। नासा के अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक दल RLD के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। The President of राष्ट्रीय लोक दल RLD and which former Union Minister dead after being hit by Corona? ऑप्शन है जयंत चौधरी, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह। इसका राइट आंसर है चौधरी अजीत सिंह। राष्ट्रीय लोकदल RLD के अध्यक्ष एवं चौधरी अजीत सिंह का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। How many times did Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee take oath as the Chief Minister of the state in West Bengal? Option A, तीसरी बार, चौथी बार, दूसरी बार, पांचवी बार। इसका राइट आंसर है तीसरी बार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्पोज कंप्लीट लॉकडाउन फ्रॉम 10 टू 24 मई। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव सक्सेसफुली इन मेकिंग अ सिंगल डोज वैक्सीन ऑफ कोरोना। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, रूस, भारत।
इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। रिसेंटली दिस कंट्री हैज आइडेंटिफाइनेटली बैंड ऑल एक्टिविटीज ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की है? Which state government has recently launched Ayurvedic telemedicine facility for corona patients? ऑप्शन है पंजाब, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।